फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो के स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशिफल, बताएंगे मूलांक और नाम के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जो आपकी लाइफ को कुछ बेहतर बना देंगे, बताएंगे आपको शुभाशुभ के बारे में क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ, तो शुभ को अपनाना और अशुभ को त्याग देना है, यही है सक्सेस मंत्र। जानकारी देंगे सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें और इसके साथ साथ बताएंगे आपको नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र, एक ऐसा मंत्र और उपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ में। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 6 अगस्त 2024, तिथि रहेगी द्वितीया, तिथि अंक रहेगा 2, नक्षत्र रहेगा मघा, नक्षत्र अंक रहेगा 1, दिन का मूलांक रहेगा 6 और भाग्यांक रहेगा 4, दिन का शुभ रंग रहेगा नीला और अशुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य और अशुभ दिशा रहेगी उत्तर, दिन का सबसे अशुभ समय जो रहेगा वो रहेगा शाम को 3:47 से लेकर शाम को 5:28 तक और दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर 3:34 तक। विशेष क्या है, बरियान योग है और सावन का मंगलवार होने के कारण इस दिन मंगला गौरी का पर्व मनाया जाएगा और हमारा स्पेशल उपाय भी माता मंगला गौरी से ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की मूलांक 1 के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एजेएस से शुरू होता है, कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, खर्चों में वृद्धि होगी, पिता की सेहत के प्रति चिंता रहेगी, उपाय ये करें कि जल में शहद डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। मूलांक 2 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम पी के या टी से शुरू होता है, कारोबारी यात्रा के योग हैं, आर्थिक सफलता मिलेगी, अरसे से लंबित पड़े हुए कामकाज पूरे होंगे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, उपाय क्या करें कि शिवलिंग पर गेंदा के फूल चढ़ाएं। मूलांक 3 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम सी एल या यू से शुरू होता है, छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे, रिश्तों के प्रति सतर्क रहें, उपाय ये करें कि कन्याओं में टॉफी बांटें। मूलांक 4 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है जिनका नाम डी एम एम से शुरू होता है, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, नए कामकाज करने से बचें, घर पर किसी मेहमान का आगमन होगा, उपाय ये करें कि महाकाली पर चंदन चढ़ाएं। अब बात करेंगे मूलांक 5 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ई एन या डब्ल्यू से शुरू होता है, खास कामकाज टालने से बचें, ऑफिस में के कामकाज में लापरवाही से बचें, काम में बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी, धन लाभ के मौके मिलेंगे, उपाय ये करें कि देवी दुर्गा पर जलेबी का भोग लगाएं। मूलांक 6 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15 या 24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एफ ओ एक्स से शुरू होता है, दोस्तों की मदद से रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, दाम्पत्य में तालमेल बेहतर रहेगा, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, उपाय ये करें कि महालक्ष्मी पर लाल फूल चढ़ाएं। मूलांक 7 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 7/16 या 25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम जी पी या वाई से शुरू होता है, खान पान पर ध्यान दें, हर काम सावधानी से करें, जॉब में उच्च अधिकारी सहयोग देंगे, यात्रा करने के मौके मिलेंगे, सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें, उपाय ये करें कि सफ़ेद काला कपड़ा जो है वो दान करें। मूलांक 8 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8/17 या 26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एच क्यू या जेड से शुरू होता है, कहीं से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है, कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे, तनाव से परेशान रहेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, खर्चों में वृद्धि होगी, उपाय ये करें कि सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर थोड़ा सा घर की पश्चिम दिशा में दीपक करें। मूलांक 9 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9/18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम आई आर से शुरू होता है, पुराने दोस्तों से मुलाकात अच्छी रहेगी, बिगड़े हुए कामकाज बनेंगे, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, बड़े कारोबारी निवेश से बचें, सेहत अच्छी रहेगी, उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। तो देखिए, देवी मंगला गौरी पर लाल फूल, सिंदूर, गुड़ादी चढ़ाएं, गाय को मसूर खिलाएं, तांबा शहद मिष्ठान खरीदना शुभ रहेगा, नारंगी कपड़े पहनना शुभ रहेगा, बरगद का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, ईशान दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब जान लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए, अत्यधिक आराम ना करें, भाई बहन की अनदेखी ना करें, हरे कपड़े ना पहने, मांस मदिरा का सेवन ना करें, कटेरी फल का दान और उपयोग ना करें, उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों समय है आज के नामांक स्पेशल उपाय का, वो नामांक स्पेशल उपाय जो दाम्पत्य क्लेश से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है,
ये दिन है मंगला गौरी के पर्व का, तो ऐसे में क्या करें, माता मंगला गौरी का, माता पार्वती का पूजन करें और दाम्पत्य क्लेश से मुक्ति के लिए लाल फूल पर शहद लगाकर माता पार्वती यानी कि शिवालय जाकर मंगला गौरी पर अर्पित कर दें। अब बात करेंगे नामांक स्पेशल मंत्र की, वो मंत्र जो अमंगल को काटेगा। अमंगल से मुक्ति के लिए रुद्राक्ष की माला से ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जप करें। आश्वस्त करता हूँ अमंगल का निश्चित नाश होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।